टीम इंडिया पर टूटा दुखों का पहाड़, विराट कोहली हुए T20 वर्ल्ड कप से बाहर, अब ये तूफानी खिलाड़ी करेगा विराट कोहली को रिप्लेस। जानिए क्यों बाहर हुए विराट कोहली। आईपीएल 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां आईपीएल के लिए सभी टीमों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएल के ठीक बाद T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, और अब इस वर्ल्ड कप से जुड़ी एक खबर ने भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। खबर यह है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। दरअसल आईपीएल के बाद वेस्टइंडीज और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1 जून से होगी और टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 5 जून से आयरलैंड के खिलाफ करेगी। लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में निजी कारणों के चलते बाहर रहने वाले दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं। कोहली के इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की एक खास वजह है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप विराट कोहली के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए या नहीं। टीम इंडिया के लिए आई बुरी खबर। आईपीएल के बाद टीम इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट टीमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट जाएंगी। भारतीय टीम को इस बार भी T20 वर्ल्ड कप की जीत के लिए प्रबल दावेदार माना जा रहा है। रोहित शर्मा नई टीम के साथ अच्छी लय में नजर भी आ रहे हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 4-1 से करारी शिकस्त देकर साल 2024 की शानदार शुरुआत की। ये युवा टीम T20 वर्ल्ड कप में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन उससे पहले भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता है। क्यों T20 वर्ल्ड कप से बाहर होंगे विराट कोहली? विराट कोहली टीम इंडिया का अभिन्न अंग है, उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय टीम अधूरी सी लगती है। विराट ने भारत के लिए एक के बाद एक मैच जिताऊ पारियां खेली हैं, जिसकी वजह से उन्हें चेज मास्टर भी कहा जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI विराट कोहली को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने के लिए राजी नहीं है। BCCI का मानना है कि वेस्टइंडीज की स्लो पिचों पर विराट कोहली की बल्लेबाजी सूट नहीं करेगी। हालांकि विराट कोहली दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन वो शुरुआत में जमने के लिए काफी समय लेते हैं, जबकि 10 से 15 ओवर के बीच में उनका स्ट्राइक रेट काफी कम हो जाता है। वहीं T20 क्रिकेट में ताबड़तोड़ रन बनाने वाले बल्लेबाजों की ज्यादा डिमांड रहती है। कोहली ने इस फॉर्मेट में काफी लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला है। हाल ही में उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में करीब 14 महीनों बाद T20 क्रिकेट में वापसी करने का मौका मिला, लेकिन ये सीरीज चयनकर्ताओं के हिसाब से काफी खराब रही। यही वजह है कि विराट कोहली का इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पत्ता कट सकता है। IPL है वापसी का एकमात्र जरिया। IPL में विराट कोहली RCB की टीम का हिस्सा हैं। उनकी बल्लेबाजी पर स्लो स्ट्राइक रेट के प्रश्न चिन्ह लगे हैं। ऐसे में विराट कोहली के पास एकमात्र रास्ता है IPL 2024। IPL 2024 में विराट कोहली आक्रामक बल्लेबाजी करें और चयनकर्ताओं को मजबूर करें कि वो उन्हें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह दे। ऐसे में विराट कोहली के पास मौका भी है और दस्तूर भी। वो IPL में स्लो स्ट्राइक रेट की बेड़ियों को तोड़कर T20 वर्ल्ड कप 2023 में जगह हासिल कर सकते हैं। ये युवा खिलाड़ी हैं बड़े दावेदार। टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले कई धुरंधर युवा खिलाड़ी मिले हैं, जो तेजी से रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम यशस्वी जायसवाल का है और तिलक वर्मा भी ऐसी ही बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन इन युवा खिलाड़ियों के पास ना तो विराट कोहली जितना एक्सपीरियंस है, ना ही दबाव में बल्लेबाजी करने की कला। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह मिलती है या नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप की टीम से बाहर करने का फैसला सही है या फिर उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या BCCI ईशान किशन के साथ सही बर्ताव कर रही है? क्या ईशान किशन को टीम इंडिया में वापस खेलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।